हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, यहाँ पर हम आज कान्हा जी के लिए एक और ड्रेस बनाकर लेकर आए हैं। एकदम सिंपल और आसान सी बनाकर लाए हैं ताकि बिगनर्स भी आसानी से बना सकें। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इनके यहाँ पे हमने वाइट जो है वो अस्तर का कपड़ा लिया है, और जो वह वो है कॉटन का लेकिन प्रिंटेड लिया और सॉफ्ट कपड़ा लिया है ताकि हमारे कान्हा जी को चुभे नहीं। और चोली भी हमने साथ में ही अटैच कर दी है ताकि हमारी कई बार चोली क्या होता है, धोने के बाद जा रखते हैं तो संभाल के भी रखते हैं तो भी इधर उधर छोटी सी चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए, आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए अभी इनको पहना के दिखाते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, हमने लटकन लगा दी ताकि जब भी हम इनको पहनाएं या धो के रखें तो हमारी जो चोली है, ये डोरी है, वो निकले नहीं। तो अक्सर डोरी क्या होता है कि निकल जाती है, तो इसके लिए तो हमने इसको डोरी पे लटकन लगा देते हैं। देखिए, हम हर ड्रेस पे लगा देते हैं ताकि जब भी पहनाएं तो उसकी जो डोरी है वो निकले नहीं और हमको बार बार डालनी नहीं पड़े। देखिए, इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको डबल क्रॉस कर देंगे। ये देखिए, इस तरह इधर निकालेंगे और इससे इधर निकालेंगे। देखिए, हम हमेशा इसीलिए थोड़ी सी लंबी डोरी डालते हैं ताकि हमको पहनाने में आसानी रहे। और डबल घेर देने से इनकी फिटिंग जो है बहुत अच्छी आती है। देखिए, हम यहाँ से इनको इस तरह पहना देंगे, यहाँ टाइट करेंगे और यहाँ से इनका छोटा सा फूल सा बना देंगे। यहाँ से और इस तरह से हम इनको अंदर की साइड में कर देंगे। इससे क्या होता है कि ड्रेस की फिटिंग जो है बहुत अच्छी आ जाती है, जो घेर है वो एकदम बराबर यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि चोली भी थोड़ी सी ऊपर चढ़ जाती है और इस तरह से ऊपर आ जाती है। तो देखिए, आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि हमने इसको कैसे बनाया है। देखिए, हमने ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पर 2.2 इंच का चौड़ाई लिया है और यहाँ पर हमने ये देखिए 26 इंच की हमने लंबाई ली है। देखिए फ्रेंड, ये हम बना रहे हैं एक नंबर और दो नंबर के कान्हा जी के लिए। और ये हमने यहाँ वाइट कलर का कपड़ा लिया है। देखिए, हमने प्रेस कर लिया, प्रेस करके फोल्ड हो गया है और इसको हमने लिया है 3 इंच। और जितना ये लंबा है 26 इंच, इतना ही हमने इसको ले लिया है। अब हम बना रहे हैं देखिए दो नंबर के लिए, एक नंबर के लिए, दो नंबर के लिए। तो हमने यहाँ पे एक नंबर के लिए हमने यहाँ 26 इंच का कपड़ा लिया। अगर आपको एक नंबर का बनाना है तो आप 20 इंच का ले लीजिए, और अगर 0 नंबर का बनाना है तो आप 15 इंच ले लीजिए, और अगर 3 नंबर का बनाना है तो आप 30 इंच लीजिए, 4 का बनाना है तो 35 इंच ले लीजिए, 5 का बनाना है तो 40 इंच ले लीजिए, 6 का बनाना है तो 50 इंच लीजिए, 7 का बनाना है तो 60 इंच लीजिए, 8 का है तो 70 इंच, 9 का है तो 80 इंच, और 10 इंच का बनाना है तो 90 इंच आप घेर ले लीजिए। और लंबाई में हमने देखिए यहाँ पे दो इंच ऊपर 2 पॉइंट लिया है, ये है हमारा दो नंबर का। और अगर आप 3 नंबर के लिए बनाते हैं तो 3.5 इंच लीजिए, 4 का है तो 4 इंच लीजिए, 5 का है तो 4.5 इंच लीजिए, 6 का है तो 5 इंच लीजिए, 7 का है तो 6 इंच, 8 का है तो 7 इंच, 9 का है तो 8 इंच, 10 का है तो 9 इंच, इस तरह आप चौड़ाई ले लीजिए। तो चलिए, देखिए हमने यहाँ एक नंबर के लिए बनाया है इसलिए हमने 2.2 इंच चौड़ा लिया है और 26 इंच हमने लंबा लिया है। और ये हमने यहाँ पे लगाने के लिए देखिए 1.5 इंच लगा लिया है। तो हमारा टोटल जो लेंथ है, ये हम सिलाई करेंगे तो टोटल लेंथ हमारी 4 इंच, 3.5 इंच सिलाई के बाद ये हो जाएगी।
तो आप अगर एक ही कपड़ा लेते हैं तो 3.5 इंच ले लीजिए। तो चलिए अभी हम यहाँ पे इसको सिलाई करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये वाइट कलर की नीचे पट्टी लगा दी। अब हम इसके ऊपर इस तरह इसको रख के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा ले फिर दिखाते हैं आप। देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी। इस तरह ये हमारा जो वाइट कपड़ा सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह रख के इसके ऊपर इस तरह से प्लीट्स बनाएंगे यहाँ पे। तो चलिए प्लीट्स बना के फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह हम देखें इस तरह से सारे में एकदम पास पास में हम इस तरह प्लीट्स बना लेंगे। इस तरह से हम यहाँ प्लीट्स बनाएंगे। तो चलिए प्लीट्स बना के फिर दिखाते हैं आपको। फिर हमने यहाँ प्लेट्स डाल दी। अब ये जो हमारी कमर है इनकी, ये देखेंगे हम यहाँ से इस तरह नापेंगे। ये 4 इंच की हमारी इनकी कमर है। तो अभी हमने 4 इंच की कमर रखी। अब यहाँ पे हम इस तरह से 5 इंच का हम कपड़ा लेंगे, क्योंकि दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा सिलाई भी आएगी। अब यहाँ से इसको इस तरह, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से खोलेंगे। हमारा देखिए प्रेस किया हुआ है, ये हमने इस तरह से इसको लेंगे, इस तरह से दोनों साइड से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसको इस तरह से रखेंगे और इस साइड से भी इसी तरह करेंगे। और यहाँ पे हम रख के इसके ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा के दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, हमने यहाँ इनकी चोली लगा दी। अब हम एक्स्ट्रा जितना हमारे पास कपड़ा है उसको हम यहाँ से काट देंगे। अब हमने ये इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर डोरी रख के इसके ऊपर सिलाई करेंगे। चलिए पहले हम लटकन लगा के डोरी तैयार कर लेते हैं और फिर यहाँ सिलाई लगा के आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ इनकी चोली भी लगा दी है। अब हमारा देखिए सुंदर सा जो घेर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। चोली के लिए हमने यहाँ पर देखें 6 इंच का कपड़ा लिया लंबा और 1.5 इंच के करीब चौड़ा लिया है। और इसी तरह हमने यहाँ पर देखिए वाइट कपड़ा लिया। यहाँ वाइट में भी हमने यही 6 इंच और 1.5 इंच लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी इस तरह फोल्ड करेंगे और इसको भी इस तरह फोल्ड करेंगे। दोनों को इस तरह क्रीज बना लेंगे और इसके ऊपर रख के हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा लें फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह चोली तैयार कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2 हिस्से कर देंगे। अब हम इसको इस तरह रखेंगे, देखिए इस तरह रखेंगे और यहाँ पर हम यहाँ से रख के यहाँ तक हम से इस तरह से थोड़ी टेढ़ी सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा के दिखाते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ चोली तैयार कर ली। इस तरह देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन आ गया, एकदम बी शेप की हमारी चोली लग रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए उल्टी साइड रखेंगे, इस तरह करेंगे उल्टी साइड और यहाँ पे हम इसको निशान लगाएंगे। निशान लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हमारी चोली सेंटर में नहीं आई तो कई बार क्या होता है कि एक साइड में चली जाती है, तो एक साइड में जाएगी तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से हम इनको सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ इनकी चोली बना दी है। तो देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। ये हमने डोरी लगाई, देखिए डोरी भी आप इसी तरह लगाएं कि फ्री से आगे पीछे होती है। तो
तो आशा है आप लोगों को हमारी ड्रेस अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।